अब तक आपने देखा किस प्रकार महाराज रामा और मुल्ला नसीरुद्दीन को उनसे परिहास करने के जुर्म में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाते हैं और भजिया चोर के कारागृह में रखने का आदेश देते हैं। रामा को भजिया चोर की राजकोष धन चुराने की मंशा ज्ञात होती है, किंतु उसे मात्र ये ज्ञात हो पाता है कि चोरी किया गया राजकोष का धन भिक्षुकों की बस्ती में छुपाया गया है। महारानी महाराज का उद्देश्य समझकर रामा और मुल्ला को मुक्त करने का आदेश देती है। राजकोष का धन पुनः प्राप्त करने सभी भिक्षुक का रूप धारण कर वहाँ पहुँचते हैं। अब आगे रामा, वैसे भी तेरी बुद्धि अति तीव्र चलती है, परंतु कभी कभी कार्य नहीं करती। अर्थात यहाँ वेश परिवर्तित करके चोर के रिश्तेदारों से भेंट करने की क्या आवश्यकता है? कारावास में उनसे भेंट हुई थी ना, उनके विचार में तो तू उनका साथी ही है, सीधे पूछ सकता है कि राजकोष का धन कहाँ है। सीधे पूछता तो उन्हें संदेह नहीं हो जाता, इसलिए तो भेष बदल कर आया हूँ। अब तू चुप करके बैठ जा। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, हमने भिक्षुकों का रूप तो धारण कर लिया है, किंतु हमें भिक्षुकों की तरह ही हृदय और आचरण करना होगा, अन्यथा इन लोगों को हम पर संदेह हो जाएगा। ठीक बोलती, हम ऐसा करती है, हम आंखों से मोहताज हो जाती है नाबीना। और अभी काम करो, आप पैरों से नाकाबिल लाचार हो जाओ। आप समझ रही हम क्या बोल रही? चल जाएगी। जो इस मजबूर को भर पेट रोटी देगा, ऊपर वाला उसकी झोली भर देगा। ओ मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, भिक्षुकों की भांति आचरण भी करना है, ऐसे कविता पाठ करके कौन भिक्षा मांगता है? मैं बताता हूँ भिक्षा कैसे मांगते हैं। कैसे? भगवान के नाम पे कुछ दे दे अम्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सचमुच का भिखारी लग रही है। है ना? तात्पर्य क्या है आपका? हम बोली जो आप कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम भी आपकी तरह करती है। अल्लाह के नाम पे दे दे अम्मी। ये राजकोष का धन पता नहीं इस बस्ती में होगा कहाँ। हमको क्या पता। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? क्या बात करती है। दे दे, इस मजबूर को दे दे। लज्जा नहीं आती? भिक्षुकों की बस्ती में आकर भिक्षुओं से भिक्षा मांगते हो, स्वयं एक भिक्षुक होकर भिक्षुओं का अपमान करते हो। क्षमा कर दे महोदय, क्षमा कर दे, मेरे बापू नेत्रहीन है, इन्हें ध्यान नहीं रहा। क्षमा कर दे। हमें अपना मालिक स्मरण हो रहा है। हम बचपन में सेविका की भांति वस्त्र धारण करके अपनी सहेलियों के साथ खेलने चले जाते थे, और हमारी अम्मा हमें पूरे राजमहल में ढूंढती रह जाती थी। महारानी चिन्ना देवी। हम चिन्ना देवी कहकर संबोधित मत कीजिए। हम जैसे महाज्ञानी पंडित को इस बस्ती में आना शोभा नहीं देता है। हम जाते हैं। गुरुवर रुकिए। पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसीरुद्दीन पहले से इस बस्ती में मौजूद है, है ना? जी हाँ कमाल, जैसा कि तय हुआ था, पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय भिक्षु का भेष बदल कर इन लोगों से घुल मिलने का प्रयास करेंगे, और ये ज्ञात करने का भी प्रयास करेंगे कि राजकोष का चुराया हुआ धन इन लोगों ने कहाँ रखा है। अरे परंतु हमें ये कैसे ज्ञात होगा, स्वर्ण किस घर में है? जिस घर में स्वर्ण होगा उस घर के बाहर पंडित रामकृष्ण स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, और आप सभी ध्यान पूर्वक उस स्वास्तिक के चिन्ह को खोजिए। आइए सभी साथ चलिए। आइए। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे अम्मी। भगवान के नाम पे कुछ दे दे अम्मा। क्या करती है? अरे रुको। अरे ये
पंडित, पंडित जी। हाँ। ये तो घर में घुस गए ये लोग। हाँ। आपको कैसे दिख गया, आप तो नेत्र है ना। हाँ, हाँ बच्चा, हम अपना मन की आंख से देखती है। हाँ, मन की आंख। जा खेलो। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय जी, राजकोष का धन कहीं इसी घर में तो नहीं है? महारानिया वानिया सब यहीं कहीं होंगे, तो योजना के अनुसार इस घर पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। ठीक बात। आइए आइए। ये तो पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय का स्वर है, कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों कहीं किसी विपदा में फंस गए हो? आइए महारानी, देखने पर चलिए। मैंने तुम्हें छुपते हुए देख लिया था पंडित रामकृष्ण। असली दाढ़ी असली है, नकली सामान ऊपर लगाए, ये नशो। मर गी। तुम दोनों ने मेरे भाई के साथ छल किया है, उस बेचारे को ये लगा कि तुम दोनों हमारे साथ हो, इसलिए अपने उस योजना में तुमको शामिल किया। तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मेरे भाई को धोखा दिया है। अब तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब अपने भाई के साथ किए हुए छल का प्रतिशोध हम दोनों लेंगे। तुम दोनों अपने आप को बहुत चतुर समझते हो ना? आज की रात्रि तुम दोनों के लिए अंतिम रात्रि होगी। तुम दोनों में से पहले मरना कौन चाहेगा? मिट्टी के पात्र खिलौने, ये हमारे राजमहल में नहीं होते, हम अभी नहीं उठाते। महारानी तिरुमलम्मा, हमें तो लगता है कि आप हमारा भेद ही खोल देंगे। चलिए चुपचाप। पहले ये हुजूर। क्या पहले आप हुजूर? आप वरिष्ठ हैं, मृत्यु पर पहला अधिकार आपका है, पहले आप। आप मुझसे ज्यादा अकलमंद है तो आपका पहले। बुद्धिमान हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ, पहले आप। पहले आप। पहले आप मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। चुप, शांत रहो तुम दोनों। मुल्ला नसीरुद्दीन यहाँ के मेहमान है, तुमको प्रथम अवसर दिया जाएगा। शुक्रिया। शीघ्र कुछ सोच रामा, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। मरने से पूर्व आप हमारी अंतिम इच्छा नहीं पूछेंगे? अंतिम इच्छा? हाँ, अंतिम इच्छा मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। हाँ हाँ हाँ, और हमारी भी आखिरी आरजू है, मरने से पहले वो पूरी करेंगे ना आप? पूरी करेंगे या नहीं ये हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अब पहले हम बताएगी। अरे पहले मैं बताऊंगा। नहीं हम बताएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। पंडित जी हम बताएगी। नहीं आप कहां जाइए, मैं बताऊंगा ना। हम बताएगी। नहीं मैं बताऊंगा। हम बताएगी। मैं बताऊंगा। हम बताएगी। बस करो। देखिए आप बीच में मत आइए, ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, फैसला हम दोनों करेगी, लेकिन पहले आरजू हमारी पूरी होगी। अरे हम बुजुर्ग है, आपका मेहमान भी है। जो कुछ भी हो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, इच्छा तो पहले मेरी ही पूरी होगी। हाँ नहीं, पहले हमारी होगी। नहीं पहले मेरी। आप समझिए मेरी होगी। नहीं आप समझिए। ये मैं तय करूंगा कि पहले अंतिम इच्छा किसकी पूर्ण की जाएगी। पंडित रामकृष्णा, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मुझे भूख लगी है, मरने से पूर्व एक बार पेट भर के भोजन तो खिला दो। क्या मुसीबत है, अब इन भुक्कड़ों को भोजन भी करवाना पड़ेगा। आप तो महाराज के दरबार के बुड्ढे राजगुरु के भांति दिखते हैं। बुड्ढा? आप सत्य कह रही है, ये उनके पिछले जन्म के जुड़वा भाई हैं।
छोड़ेंगे नहीं हम, स्वयं की सांसें अटकी हुई है और बुढ़िया हमें बुढ़ा कह रही है, संस्कार ही महिला बुढ़िया। क्या हुआ मुल्ला नसरुद्दीन, आपको भूख नहीं है? हमारा भूख इससे नहीं मिटेगी, हमारा भूख तब मिटेगी जब आप दोनों भाई बहन हमारी पहेली का जवाब देगी। उसका समय नहीं है अब, आखिरी आरज़ू है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। देखिए हम आपकी अंतिम इच्छा क्यों पूर्ण करें, हम इसके लिए बाध्य नहीं, हम आपकी अंतिम इच्छा बिना पूर्ण किए भी हम दोनों को मार सकते हैं, हमें कौन रोकेगा? कर दीजिए इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा इन्हें, प्रेत बनकर आप ही को सताएंगे। सच बात है हम पता नहीं किस किस के घर में घुस जाएगा बूंद बनेंगे। अच्छा ये असली बात ये है कि ये दोनों भयभीत हो रहे हैं कि आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर यदि ये नहीं दे पाए तो क्या होगा, है ना? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है पंडित रामकृष्णा, ये लोग बहुत अकलमंद है, मूर्ख आदमी राज्य का खजाना कैसे चुरा सकती है, बहुत अकलमंद है दोनों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ज्ञानी भी हैं और चतुर भी हैं, भी तो आप दोनों महाज्ञानी हमारे बंधक हैं। वो सब उचित है किंतु मुझे तो अभी भी इनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह है मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। अभी हम आपका शक दूर कर देती है, अभी हम दोनों से पहली पूछती है। मुझे नहीं लगता कि आपके द्वारा पूछी गई पहली का उत्तर दे पाएंगे। आप जरा साबित कर दीजिए कि पंडित रामकृष्ण जो आपके लिए ख्याल रखती है वो गलत है। आप पूछिए पहली, हम आपकी हर पहली का उत्तर देंगे। अरे वाह, पूछिए अब बैठ के पूछिए। शुक्रिया। पहली है, हरे रंग की टोपी मेरी, हरे रंग की दुशाला, पेट में मेरे रहती है मोतियों की माला, बताओ क्या है? ये क्या गुरुजी, अब तो ईश्वर भी आप पर क्रोधित होकर गोले बरसा रहे हैं। ये मेरी है, मेरी है। अब मुझे नहीं पता पहली का उत्तर, आप ही बता दीजिए। हरी मिर्ची। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आपको आपका अकल आजमाने का एक और मौका देती है, ध्यान से सुनना। खरीदने पे काला, जलाने पे लाल, फेंकने में सफेद, बोलो क्या है? क्या रहा है? पुनः एक और स्वर मुद्रा। भिक्षुकों की बस्ती में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा। चिन्ना देवी, हे ईश्वर, तुमने हमारी सुन ली। ये सब चल क्या रहा है? ये स्वर्ण मुद्राएं आ कहां से रही हैं? ये तो विजयनगर की शाही मुद्राएं। यदि ये मुद्राएं यहाँ कोई फेंक रहा है तो इसका अर्थ है कि वो पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसरुद्दीन ही हो सकते हैं। बताइए, बहुत आसान है, पहली का जवाब क्या है बताइए। अब आप ही बता दीजिए। कोई ला, अरे हम तो आपको बहुत अकलमंद समझती थी जिसने इतना बड़ा खजाना चोरी की, पर आप तो हमारी पहली का जवाब तक नहीं दे रही है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप इन दोनों से कठिन पहेलियां पूछ रहे हैं, सरल पहेली पूछिए ना, क्यों बहन? हाँ हाँ, सरल पहेली पूछिए। हाँ, अच्छा तो बताइए, वो कौन सी चीज है जो बिना आंख वाला नेत्रहीन भी देख सकती है?
यदि हल नहीं मिल रहा है तो एक मार्ग है, आप दोनों को नेत्र बंद करके नेत्रहीन होने का आभास करना चाहिए, तो उससे जो नेत्रहीन को दिखता है वो आप दोनों को भी दिखने लगेगा। क्यों? वाह वाह पंडित रामकृष्ण जी, क्या राय दी आपने, वाह। पहेली का हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ। ये तो तहरान की मुद्रा है। तहरान की मुद्रा? लेकिन ये मुद्रा यहाँ कहाँ से रही? हमें चल के देखना चाहिए। चलिए चलिए। अंधकार के सिवा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है बहन? नहीं भाई। है कि पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसरुद्दीन महोदय यही। हम अभी दरवाजा खटखटाते हैं। तुम दोनों हमें मूर्ख बना रहे थे। अरे भगवान, अरे पकड़ लो संभाल के। हाय महारानी चिन्ना देवी जी, महारानी तिरुमाला अम्मा जी। हाँ। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं। आप दोनों की बुद्धिमता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भोजन में मुद्राएं डालकर फेंकने का उपाय आप दोनों का ही हो सकता है। हाँ, आप सब उचित समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये तो हमें मारने वाला था। अरे सारे धन को खोज निकाला जाए और उसे तुरंत राजकोष में जमा करवाया जाए। राजकोष का समस्त धन और आभूषण तुम सबकी दृष्टि से छुपाकर यहाँ लेकर कैसे आए? बताओ बताओ कैसे लेकर आए? आपके पैरों के नीचे से। हमारे पैरों के नीचे से? अरे हटिए 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 हटिए। यही वो सुरंग है जो राजमहल के राजकोष तक जाती है और इसी उस सुरंग के माध्यम से हमने सारी चोरी की है। हाँ, और यही कारण था कि कारावास में तुम्हारे भाई द्वारा बनाए गए सुरंग के विषय में हमने किसी को अवगत नहीं कराया, क्योंकि हम पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सुरंग का भाग और कहां कहां संयुक्त होता है। ऐसा करना विजयनगर की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक था, अन्यथा तुम तो राजकोष पहुंचने से पहले ही पकड़े जाते। हमें सुरंग को तत्काल प्रभाव से बंद कराना होगा। सैनिकों ले जाओ इन दोनों को और बंद कर दो इनके भजिया चोर भाई के साथ। अरे रुकिए रुकिए, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय इन्हें पहेली का उत्तर तो बता दीजिए। बताती है। जिस चीज को नेत्रहीन भी देख सकती है वो है सपना। अब जाकर अपने भाई के साथ कैद खाने में फसाने का सपना देखो। चलो बात और एक बात और एक बात और, ये दो लड्डू अपने उस मूर्ख भाई को अवश्य खिला देना और कहना पंडित रामकृष्ण ने विशेष रूप से उसके लिए मिष्ठान भेजे हैं। उचित है, अब जाओ। जाइए। बहुत खूब पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसरुद्दीन जी, आप कमाल कर दिया आपने। आप दोनों ने वो किया है जो कोई और नहीं कर सकता। आप दोनों को राज्य की ओर से विशेष उपहार दिए जाएंगे। क्यों? देने दीजिए। तुम दोनों यहां पर
मिठाई का क्या हुआ? ये लो खाओ, ये है लड्डू, पंडित रामकृष्ण ने भेजे हैं तुम्हारे मित्र। हाय हाय, अब तो पूरा जीवन इस कारागृह की रूखी सूखी रोटी खाकर ही गुजारनी पड़ेगी। बड़े आए मिठाई खाने वाले। पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसीरुद्दीन के कारण सारा धन पुनः राजकोष में चला गया।